मजदूर असी इस मंच तो भी ऐलान करते हैं कि जिस किसान की किसी ने बाह ना फड़े बहुजन समाज पार्टी पहले दिन तो उन्होंने एक जनवरी नवा साल किसानों मैं हजारों लोगों के लश्कर 31 जनवरी की रात किसानों कटी एक जनवरी असी हजारों लोगों के नाल थोड़े विचों बहुत सारे गए सारे गए असी किसानों के नाल मुख्यमंत्री कांग्रेस का किसानों लगता साडे नाल भाजपा खिलाफ है शायद कांग्रेस ये मित्र वा बहुजन समाज पार्टी मंच तो कहना चाहती है यही कांग्रेस का मुख्यमंत्री झूठ की पंड मुख्यमंत्री झूठ की पंड कांग्रेस सरकार ये कांग्रेस सरकार जो किसानों के ऑर्डिनेंस बन रहे सी छे छे महीने पहला मीटिंग सहमति मिले यही कांग्रेस जितने वोटा पईआं खेती बिल्ला कानूनों के विरोध में इन्हां दी सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जिहड़े राष्ट्रीय प्रधान रहे कांग्रेस दे इह प्रदेश गोलगप्पे खाण गए सी इन्ने हटाची ने इन्ने हटाची ने दो और पार्टी मीटिंगां होईआं किसानां दे मुद्दे ते बहुजन समाज पार्टी वालों असी इन्हां मीटिंगां च बैठे हर मीटिंग विच झूठ दी पंड मुख्यमंत्री ने कहा कि असी राष्ट्रपति को आल पार्टी लोगों लैके जावांगे अज तक नहीं गया अज तक नहीं गया बहुजन समाज पार्टी पुछना चाहती आ मुख्यमंत्री साहब तुसी किसानों नाल झूठ बोलिया तुसी दशमेश पिता नाल झूठ बोलिया के चार हफ्ते च नशा खत्म करांगा तुसी गुटका साहब करवाई नूं झूठ बोलिया के चार हफ्ते च नशा खत्म करांगा ए झूठ दी पंड मुख्यमंत्री ए झूठ बोलिया किसानां नाल थोड़ा कर्जा कोटी खत्म करांगे जे कीता हुंदा साढ़े चार सालां बाद किसान प्यो पुत जहर खा के मरे दसूए ए झूठ दी पंड मुख्यमंत्री ए कहिंदा सी नौजवानां नूं घर घर नौकरी दिया मैं देंगा इस मुख्यमंत्री नूं अज मंच तो बहुजन समाज पार्टी पुछदी आ मुख्यमंत्री साहब राष्ट्रपति कोल थोनूं रास्ता नहीं लभिया जाण दा अमित शाह गृह मंत्री कोल केड़े मित्रां दा वीजा पाकिस्तान तो लवाण लई गए सी केड़ी मित्रनी दा वीजा गृह मंत्री तो लवाण गया सी ए मुख्यमंत्री इन्ना झूठ दी पंड सत्कारयोग पंजाबीओ आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले जिद्दर कानून बने सारी आम आदमी पार्टी झाड़ू बन के कहती सी किसानों के नाल है किसानों के नाल है ए, 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 आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से भी पे आ कांग्रेस से भी पे आ एक पासे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री मानयोग केजरीवाल साहब उत्थे कानूना दे कानून फार दाया विधानसभा च दिल्ली दूजे पासे पास कर दाया तीजे पासे बागे पुराने रैली रखी किसान महापंचायत चौथे पासे पंजाब का प्रधान आम आदमी पार्टी का भगवंत मान एक भगवंत मान स्टैंडिंग कमेटियां जिथों ये कहा गया कि तीन खेती कानूना चो एक खेती कानून जमाखोरी का बहुत अच्छा आया जिथे अबानी अडानी दिया ट्रेना सीधिया जानिया एक पासे अन्निया झूठ दिया पंडा ने श्रोमणी अकाली दल भी बचाया बिचे रगड़िया गया बढ़िया अस्तीफा इस्तीफे दे के बचन की कोशिश की वह बेचारा सैड होया पिया सैड हुण श्रोमणी अकाली दल सैड होया पिया किन्ना सैड होया पिया के सारी उगर तुगर पार्टी बन गई असी कहना चाहते इस मंच तो के सूबे की सरकार दशमेश पिता के बारसा भी बनाओ किसान भरावां नूं अपील करते हैं गरीब सिखा की सरकार बनाउण लई साडा साथ दिओ हर फसल ते MSP देंगे हर फसल ते MSP देंगे और जिहड़ा झोना आया ये जिहड़ा पंजाब नूं डार्क जोन विच तक दिता भई पानी पंजाब दा लभदा नहीं ग्राउंड वाटर रेगिस्तान पंजाब बन लगा
झोने का नोटिफिकेशन 24 घंटिया कर देंगे, जमना झोने का बंद कर देंगे, बंद कर देंगे और किसान नू बदल में पढ़न देंगे फसलों की MSP देके। सत्कार योग साथियों, जे तुसी मजदूरां दी गल करो, 3 खेती दे 3 मजदूरां दे पिछले साल भाजपा ने पास किए, पसाड़ी विच लगे मजदूर, फैक्टरी का मजदूर, दुकाना मालां ते कम करदा मजदूर, ठेकेदारी के प्रबंध च फसिया मजदूर, दूजे राज्यां तो आए मजदूर, मोटर ट्रांसपोर्ट का मजदूर, किसी मजदूर की कोई सुरक्षा नहीं, कोई पक्की तनखा नहीं, कोई ओदा बीमा, कोई कुछ नहीं, हर मजदूर नू रह गया, मजदूर का कोई नाम नहीं रहिंदा। अज असी मजदूरां की पार्टी, अज असी गरीब किसानां की पार्टी, असी ये कहना चाहुंदे आ, कल 1 अप्रैल लंघी, मोदी सरकार ने 8 घंटे मजदूर तो कम लैण दा जिहड़ा कानून बाबा साहब अंबेडकर ने देश नू दिता, ओ घंटे 12 घंटे कर दिते। मोदी सरकार दे कल लागू हो गया, हो कोई कोई मजदूर दे हक च नहीं बोलिया। मजदूरो, पंजाब दे मजदूरो, इकट्ठे होवो, मल्ला नाल टक्कर हाथी मारेगा। पंजाब दे मजदूरो, आजादी दे 73 सालां च कांग्रेस दे पंजे ने साडा घर कुटिया, कांग्रेस के पंजे ने साडा घर कुटिया मजदूरां दा, भाजपा के फुल दे कमल दे फुल दे कंडे लगे आ सानू, जे बचना चाहुंदे हो ते मजदूरो हाथी ते चढ़ो, ते हाथी महिला दा टक्कर लाएगा। सत्कारयोग साथियो, मजदूरां दी रजिस्ट्रेशन असी वादा करदे, इस गल दा आशा वर्कर घर घर घूमदी आ, ANM घर घर घूमदी आ, जिहड़ियां साडियां गर्भवती औरतां घरां दीआं बीबियां पैणा, उहनां दी रजिस्ट्रेशन घर भर्ती करदे, उहनां बीबियां नूं सरकारी सहूलतां मिलदियां। आजादी दे 73 सालां मजदूर दी रजिस्ट्रेशन लई घर घर कोई ना घूमिया, कोई ना घूमिया, ते जिहड़ियां स्कीमां मजदूर नूं मिलदियां आ, उह रजिस्टर्ड मजदूर नूं मिलदियां, अनरजिस्टर्ड नूं नहीं मिलदियां। आंगनवाड़ी वर्कर घर घर घूमदी आ, बच्चे जम्मण तो पहले रजिस्टर हो जाते, 2 साल का 3 साल का रजिस्टर हो जाता, ओदा दरिया मरूंडा बच्चे दे घर जाता। जे 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 गर्भवती औरत रजिस्टर हो सकती, जे जमदे बच्चे रजिस्टर हो सकते, देश का मजदूर आजादी के 73 सालां च कांग्रेस अकाली भाजपा ने क्यों रजिस्टर नहीं किया? असी वादा करते मजदूरां नाल, घर परती रजिस्ट्रेशन, घर परती हर पिंड विच बंदा लावांगे जिहड़ा मजदूरां नूं रजिस्टर करेगा, किसे मजदूर दी कोई जाति, कोई धर्म, कोई विकरा देखिया नहीं जाएगा, और उस मजदूर नूं सरकारी सहूलतां देवांगे, सरकारी सहूलतां। जे तुसी सुनो, कांग्रेस नूं पुछो, तुसी मजदूरां नूं पता भी थोड़े बच्चियां नूं 3,000 तो लैके 70,000 रुपया सालाना फीस किसी नूं मिली स्टाइफंड? 3,000 तो लैके 70,000 रुपया सरकार कहती दिंदे आ, किसी नूं मिली? किसी नूं मिली? LTC जिदा मुलाजमां नूं मिलदा, सरकार ने स्कीम रखी के इह मजदूरां नूं हर 2 साल बाद किसी धर्म स्थान ते कमाउणा, किसे हिस्टोरिकल प्लेस ते कमाउणा, किस कोई घूम के आया सरकारी खर्च? सत्कारयोग साथी, जे मजदूर मर जाए, सरकार कहंदी आ नहीं पुत्ता ही मर गया 3 लाख रुपया देना, जे रजिस्टर्ड हो गया, जे एक्सीडेंट ने मर गया तां 5 लाख देना, किसे नूं मिलिया? मिलिया ते सरकार कहंदी असीं दिन्ने आ, असीं दिन्ने, सरकार कहंदी, सरकार कहंदी जे मजदूर मर जाए, मरियो ते 20,000 दा पालण भी दिन्ने आ, किसे नूं मिलिया? दसो मिलिया किसे नूं? सरकार कहंदी है जे मजदूर दे घर बच्चा पैदा होना होवे, औरत नूं 21,000 ते मजदूर छुट्टी करेगा, घर आली दी देखभाल करेगा, ते 5,100 नूं भी देना, मिलिया किसे नूं?
सरकार कहती है जे मजदूर के दंदा च नुक्स पै जाए तो 5,000, अखा च पै जाए तो 800 है ना, ते जे कन्ना च पै जाए तो 6,000 किसे नूं मिलिया। असी वादा करते असी मजदूरां नूं एक गल कहनी चाहुंदे, एदा दीआं सैकड़े स्कीमां जिहड़ियां आ सरकारां चलाउंदियां लागू क्यों नहीं करदियां, कि देश दा हाकम पंजाब दा हाकम जिहनूं असी आप चुणिया ते शेर बघियार ते बोलो आपां चुणे, सानू एदी जगह चज दा हाकम चुनना पएगा। सत्कार जो साथियों, विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सेंटर दिंदा सी, कांग्रेस ने निगल लई, साधु सिंह धर्मसोत डाका मार गया चोट पेंट करोड़ का, ते मुख्यमंत्री झूठ दी पंड कहिंदा मेरा मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ये ठगी नहीं मार सकता, ये तां कहिंदा साधु आ। गरीब विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक निगल लई, नौकरियां मंगते अध्यापक कुट सिटे, कांग्रेस सरकार ने और गुरुआ का सुपना सी विद्या बिचारी ता परोपकारी, रोज पटियाले डंडे मारदा विद्या दे कैप्टन, रोज डंडे मारदा रोज। और कैप्टन अमरिंदर सिंह एनी झूठ दी पंड, कल बयान लाउंदा के आरटीओ मैं थोड़े नाल है, जेड़ी डायरेक्ट ट्रांसफर किसान दे खाते च पैणी मैं आरतियां नूं उहनां दा हिस्सा देवांगा, उहनां दी आरत जेड़ी 2% 3% देगा। ए झूठ दी पंड, जेड़ी एजुकेशन संस्थावां आ उहनां दा 1850 करोड़ फसिया आ, उहदे ते कोई गल नहीं, 1850 करोड़ देना है ते गरीबां दे बच्चे मुड़ के फ्री पढ़ने जोगे हो जाए, मजदूरां दे बच्चे मुड़ के पढ़ने जोगे हो जाए। पर कांग्रेस ने निकल लिया, असी वादा करते हैं विद्यार्थियों दे नाल थोड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम किते मंगण भी जाना पाएगा, दाखला हो गया तो जिम्मेवारी फीस दी, जिम्मेवारी मेंटेनेंस दी सरकार दी होएगी, सरकार दी। 1,64,000 करोड़ का बजट है पंजाब का, ते पंजाब के विद्यार्थियों लिए 2,000 नहीं सरकार कढ सकदी, दसो 1,62,000 करोड़ ए पाकिस्तान तो आए मित्रां नाल झूठा मुख्यमंत्री गुलशन राणा है। विद्यार्थियों नूं कोई इतराज नहीं, लेकिन उहदा 2,000 करोड़ का देना पोस्ट मैट्रिक लई। सरकार योग साथियों पंजाब का ओबीसी भाईचारा, आ मैं गड़ाए सी सैनी साहब खड़े हो, प्रजापति घुमया भाईचारे तो साथी ने भैरी साहब खड़े हो, रिहल साहब रामगढ़िया भाईचारा खड़े हो, मैरा साहब मैरा सिख भाईचारा खड़े हो, तीर्थ राजपुरा जी जरा आओ मैदान पिंड नू, ए भाईचारे जिन्हां नू ओबीसी जमातां कहा जांदा, जिहदे बारे कानून है इन्हां ओबीसी जमातां नू 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहीदी मंडल कमिश्नर को, कि चोर नारी सिंबा तरखान लोहार गुजर सही ऐदा दिया पंजाब दिया 75 जातियां इन्हां दे बच्चियां नू नौकरियां लई जिदा एससीआं नू रिजर्वेशन मिलदी बीसीआं नू भी मिलदी, 5% कांग्रेस दे राज तक 27 नहीं दित्ती, 5% दित्ती आजादी दे 73 साल, अज 10% होई है मिली किसे नू, और पछड़ा वर्ग पंजाब दिया 75 जातियां जेड़िया चाहुंदियां आ कि सानू शेड्यूल कास्ट पद्धर ते नौकरियां विच सिक्ख्या विच राखवां करन दे, असी वादा करदे आ पछड़ा वर्ग समाज नू, जिस कांग्रेस ने थोनू कुचलिया, जिस भाजपा ते गठजोड़ ने रगड़िया, उस पछड़े वर्ग नू पहले 24 घंटिया विच मंडल कमिश्नर रिपोर्ट देंगे, चलते आ पंजाब का सैनी, पंजाब का चोर नाई सिंबा तरखान लोहार गुजर, इना बीसी भाईचारिया जिन्हां दियां 75 जातां आ
इन्हां 75 जातियां नूं रगड़ दिता इन्हां दे बच्चों का भविख। कांग्रेस ते भाजपा ने शर्त ए आ इन्हां 75 जातियां नूं हाथी ते चढ़ना पवेगा, हाथी ते चढ़ना पवेगा। और जिहड़े तुसीं बैकवर्ड दे नेता बैठे आ जिन्हां नूं मैं पिट ते लै के पूरे पंजाब विच भी घूम सकदा, तुहानूं जाति सम्मेलन करने, तुहानूं सैनी सम्मेलन, थोड़े प्रजापति सम्मेलन, थोड़े महिला सिख सम्मेलन, थोड़े रामगढ़िया सम्मेलन, हर चीज दिया जातियां नूं जोड़ना पएगा, जो सबका श्री राम जी का फार्मूला। क्रिश्चियन भाईचारा, पंजाब की घट गिणती जेड़ी जम्मण तो लैके मरण तक पंजाब के खजाने विच टैक्स दिंदी आ, पंजाब के भले लई कम करदी आ, इस क्रिश्चियन भाईचारे नूं जोर तां छड्डो क्या देना, मरण लई कबर भी मिलती नहीं पंजाब च। अज गुरदासपुर, अमृतसर, यह सारी वर्ल्ड साडे क्रिश्चियन भाईचारा सारी भाईचारे, अज गुड फ्राइडे भी है, अज दे दिन क्रिश्चियन भाईचारे का वड्डा दिन है। लेकिन वड्डे दिन ते असी सारी भाईचारे का वादा करते हैं जिथे थोड़ी सेहत सिक्ख्या ते रोजगार का प्रबंध हाथी करेगा, हाथी की सरकार करेगी, उत्थे थोड़े लिए कब्रस्ताना का भी प्रबंध हाथी वाले की सरकार करेगी। पंजाब का मुलाजम 1990 तो बाद एलपीजी नीतियों के नाल सरदार मनमोहन सिंह कांग्रेस का प्रधानमंत्री जिन देश नूं फिकर ते लाया, कांग्रेस ने फिकर ते लाया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, इन्हां नीतियां नाल महकमे प्राइवेट कीते, बच्चे पढ़ गए डॉक्टर वकील इंजीनियर बढ़ गए, कुड़ियां मुंडियां ने डिग्रियां डिप्लोमे लै ले, लेकिन नौकरी किसे नूं नहीं मिली, नौकरियां ठेके ते। इह कैदी देण है, इह सरदार मनमोहन सिंह ते कांग्रेस दी देण है। बहुजन समाज पार्टी पंजाब दे मुलाजमां नूं इह वादा करदी आ, कल्याण साहब इह वादा पूरे मुलाजमां च लैके तुसीं जाणा, मुलाजम आगू रहे आ, तुसीं मुलाजमां दे प्रधान रहे आ पंजाब दे, इह वादा असीं मुलाजमां नाल करदे आ। पंजाब दे विच 1990 तों बाद जिन्नियां असामियां कांग्रेस भाजपा सरकारां ने खत्म कीतियां, उन्हां असामियां दी पुनर्बहाली होएगी। उन्हां असामियां नूं पंजाबी नौजवान धियां पुत्तां लई, पंजाब दे नौजवानां लई मुड़ के बहाल करके पंजाब दी जवानी नूं रोजगार देण दा काम कीता जाएगा। पंजाब दा मुलाजम जिहड़ा 2004 तों बाद भर्ती होया, उहनूं पेंशन नहीं मिलदी, उहनूं पेंशन नहीं मिलदी। भारत विच इदां दीआं वी इक दो स्टेटां हैगीआं जिथे पुरानी पेंशन स्कीम अज वी चलदी है, पुरानी पेंशन स्कीम अज वी चलदी आ। बहुजन समाज पार्टी 2004 तों बाद भर्ती होए हर मुलाजम नाल इह वादा करदी आ, तुहाडी पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम मुड़ के बहाल करांगे। साथियों, पंजाब दा मुलाजम जदों अप्रैल मई च बदलियां करनियां होंदियां और कांग्रेस अकाली भाजपा दे मंत्री एमएलए दीआं जेबां च 50-50 हजार लख-लख धूना पैंदा, इन्हां दे मूंह विच लखां रुपइयां दे नोटां दीआं गुरूचियां देणियां पैंदियां तां इन्हां कोलों बदली निकलदी आ। पंजाब दे मुलाजमां नूं असीं इह भरोसा दिवाउने जिहड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री पंजाब च है, कांग्रेस दे राज च वी चलदी आ, भाजपा अकालियां दे राज च वी चलदी रही, इह ट्रांसफर इंडस्ट्री नूं खत्म करके हर मुलाजम दी बदली उहदी लोड़ दे हिसाब नाल कराणी। तां जो साथियो, पंजाब दे जिन्ने महकमे अजाड़े गए, जिन्ने विभाग प्राइवेट कीते गए, आ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इक उदाहरण लैंदे आ, करोड़ां रुपया कमा के सरकार नूं दिंदा, कमाऊ पोता पंजाब दे शेयर बाजार हाकमां ने निगल लई ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट निगल लई और अपनियां चलातियां। बहुजन समाज पार्टी इस गल च कहना चाहुंदी आ, तुहाडे सारे पंजाबियां लई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुड़ के बहाल कीती जावेगी, मुड़ के बहाल कीती जावेगी।
बेरोजगार नौजवान 50 लाख 55 लाख परिवार है पंजाब का झूठ की पंड कांग्रेस सरकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वादा किया कि घर घर नौकरी देंगे अपनी कृपा करके धर्म मान ना हाथ खड़े करो धर्म मान ना किसी नु नौकरी मिली किसी नु नौकरी मिली इस असि नौजवानों ना वादा करते हैं आए पंजाबी नौजवानों आए पंजाब के धी पुत्र नौजवानों थोड़िया नौकरियां थोड़ा रोजगार बहुजन समाज पार्टी जिम्मेवार होगी पंजाब का नौजवान असि अपील करते हैं तुसी फार्म भरे मोबाइल लैन ले ते चाइना में 2000 वाले मोबाइल साडे मत्थे च मारे इन्होंने वादा किया घर घर नौकरी का 10-10 हजार नूं 5-5 हजार नूं पंजाब दे धी पुत्र ठोकरा खांदे असि वादा करते हैं कि घर परती रोजगार देंगे साडी पॉलिसी होगी रोजगार देने की पंजाब की धरती इंडस्ट्री की हब बनावांगे पंजाब की धरती मैन्यूफैक्चरिंग स्टेट बनावांगे पंजाब की धरती जिदा चाइना के घर घर इंडस्ट्री लगी आ पंजाब बड़ा मेहनती आ पंजाब के धिया पुत बड़ा मेहनती आ थोड़ी मेहनत का मुल थानू कारखानेदार बना के थानू कारखानेदार बना के जेड़ा रोजगार लैंदे लई तुसी दवाइया अरब कंट्रिया च जाने कनेडा अमेरिका च धक्के खाने परिवार तो दूर मिट्टी तो दूर पानी तो दूर पर्थ तो दूर थोड़ी जी जरा ब्रेन ड्रेन हो रहा पंजाब की नौजवानी का ब्रेन ड्रेन हो रहा इनू रोक के आने वाले 5 साल सरकार ने पंजाब के इदां दे बनावांगे कि दुबई का शेख इत्थे नौकरी कर लाएगा इदां दा प्रबंध करावांगे ते रेगिस्तान का अरब लखां पंजाबियों नू रोजगार दे सकदा आ ते पंजाब की जरखेज धरती रेगिस्तान के शेखां नू भी रोजगार दे सकती है सरकार जो साथियों पंजाब का दलित वर्ग जी 35% आबादी आ 1,10,00,000 आबादी आ 7 लाख तो ज्यादा दलितों का वोटर है पंजाब 50 लाख का मुख्यमंत्री बनता आ कांग्रेस अकाली भाजपा 50 लाख का 40 तो 50 लाख वोटर जोड़े लै जाते मुख्यमंत्री बनता पंजाब का दलित जिहड़ा 39 जातां विच पंडिया होया 60 लाख की वोट है 1 करोड़ तो ज्यादा आबादी है तुसी जाती के 73 साल कांग्रेस भी कांग्रेस नू भी मां कह के देखिया इंदिरा नू भी बुजुर्ग मां कहते रहे अकाली भाजपा नू भी परखिया पंजाब दे दलित जिहड़ा कुचलिया गया आ शेखा पिंड दे विच तुसी देखिया कांग्रेसी भैन दो कुड़िया नू कांग्रेसी सरपंच का मुंडा गोली मार दिंदा ऐसे दिया कई घटनावां बेजमीने दल एक वड्डा 3 पंचायती जमीन का मामला कांग्रेस कालिया ने भाजपा ने हल नहीं किया बैठ लो 85वीं संविधानिक सोध राख ना करन दी पॉलिसी जे कोई लागू कर सकता है तो एको एक पार्टी आ जिहदा नाम बहुजन समाज पार्टी है नीले कार्ड कट्टण का दुख क्या हुंदा पीले कार्ड बनन का दुख क्या हुंदा जोरावर कांग्रेसी पिंड का जोरावर कांग्रेसी जोरावर जत्थेदार नहीं जान सकता सोकत जाने पीड़ पराई जाके अंतरे दर्द ना पाई सत्कार जो पंजाबियो दलता पछड़िया के दर्द गरीबा के दर्द जो कोई समझ सकती है तो बहुजन समाज पार्टी व्यापार व्यापारी इंडस्ट्री
ते पंजाब दा बिजली सैक्टर एक तीनों ही आपस नाल जुड़े हुए हैं। जे बिजली सस्ती है इंडस्ट्री लगनी है व्यापार बढ़ना है। कांग्रेस और भाजपा दिया सरकारों ने पंजाब दे विच पहला पावर सैक्टर खाता बिजली सैक्टर खाता अकोल बठिंडे थर्मल सी पहली पातशाही सतगुरु नानक देव जी के नाम अकालिया ने वादा किया रेनोवेट करा के 25 साल चलू 750 करोड़ रुपया ला दिता। मनप्रीत बादल वोटा तो पहला की पाता सी ए बाबे नानक के नाम से बनिया थर्मल है कांग्रेस इन उजाड़ेगी नहीं पर अज 3-4 साल वो थर्मल बुलडोजर चला के जिस थर्मल की एक कली कली एक बाबे नानक का नाम सी वो थर्मल मलिया मेट करके रख दिता अज थर्मल नहीं लग इसे कांग्रेस की काली अख दशमेश पिता के नाम पर जेड़ा थर्मल रोपण की धरती से लग्या श्री गुरु गोबिंद सिंह थर्मल कांग्रेस इनू भी खत्म करने की कोशिशों में है। बिजली के रेट बिजली कंपनियों करोड़ों रुपया जाना मुफ्त का करोड़ों रुपये ने जो कंपनियों की जेब से जाना वो कढ़िया कितों जाता गरीबा मजदूर पंजाबियों की जेब चो बिल पोटे लागे बिल बिजली समझौते जे कोई रद्द कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी आ सत्कारयोग पंजाबियों गुरुआ की धरती हो महापुरुषा की धरती हो शहीदा की धरती हो नशिया का सेवा दरिया चलता हो झूठ की पंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री दमदमा साहब वाल हथ करके कहता हो 4 हफ्ते च नशा खत्म करांगा 4 हफ्ते पहला यही झूठ की पंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री शरेआम मुकर गया शरेआम कहता मैं कोई वादा नहीं सी कीता यह जुमलेबाज मुख्यमंत्री देश दे विच सब तो पहला जे कितने नशा बंद होया गुजरात विच होया 1960 तो बंद है मुड़के चलिया नहीं 1960 तो बंद है केरल दे विच नशा उत्ते बैन है केरल नागालैंड मिजोरम ते लक्षद्वीप टोटली बैन है बिहार विच बंद है। ते मैं पढ़ रहा सी भाई गुजरात विच क्यों कीता कहंदे मोहनदास करमचंद गांधी की धरती है इस करके बंद किया कि मोहनदास करमचंद गांधी की धरती है। तो मेरा सवाल है पंजाबियों अगे कि जिस हाकम नूं असीं चुनिया यह धरती बाबे नानक की धरती सी यह धरती दशमेश पिता की सी ते गुरुआं दा सुपना सी नशे खत्म होने चाहिए पंजाब चो नशा क्यों नहीं बंद होया इस करके एड़ा हाकम ने नशा बंद तो क्या करना सी जेड़ा योध्या दा पंजाब सी ओनू उड़दा पंजाब बनाता जेड़ा योध्या दा पंजाब सी इत्थे गीत चलते चिट्टा शरेआम बिकदा सरकार बकाउंदी तां बिकदा ए पंजाब कांग्रेस के राज में जहरीली शराब नाल तरन तारण गुरुआ की धरती गुरुआ का बसाया शहर 137 मर गए नकली शराब दिया फटिया राजपुरे खंडे फड़िया गई बहुजन समाज पार्टी ए पुछना चाहती है राजपुरा के जिले में पंदा जी बोलो राजपुरा के जिले में पंदा मुख्यमंत्री का जिला केड़ा ते राजपुरे मुख्यमंत्री की नक हेठ जो नकली शराब दिया फैक्ट्रिया चल दिया तो बहुजन समाज पार्टी कहती है नशा मुख्यमंत्री आप बखाउंदा है आप बखाउंदा है। सत्कारयोग साथियों ज्यादा गल्ला ना करता होया पंजाब कांग्रेस अकालिया के राज 3 लाख करोड़ का कर्जाई होने लगा 3 लाख करोड़ का रेटा बजरी चो पंजाब सरकार नू कमाई होनी सी बेच दित्ती नहीं आई मैं नहीं चल पई
ट्रांसपोर्ट चो कमाई होनी सी, इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी बेची, रूट भी बचे, ते पंजाबियों दी जेब चो धन कढ के अपने घर भर लए। सड़क बना के टोल टैक्स ला के कमाई सरकार नू होनी सी, कंपनियां नू दे के बेच दिता। जंगलां चो कमाई हुंदी आ, कांग्रेस सरकार काली भाजपा ने जंगल बेच दिते नजायज कटाई दे नाल। कमाई हुंदी आ, सरकार नू भ्रष्टाचार रोक के कांग्रेस भाजपा ने पंजाब नू प्रशासन दिता भ्रष्टाचारी प्रशासन दिता। विभागां नू चुस्त दुरुस्त करके और स्वतंत्र नाल, लेकिन सारे ने सारे च भ्रष्टाचार भर दिता। पंजाब नू कमाई होनी सी इंडस्ट्री दे नाल, इंडस्ट्री भेजती जम्मू कश्मीर, इंडस्ट्री भेजती हिमाचल, इंडस्ट्री भेजती उत्तराखंड, ते पंजाब दे सिर 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया। पंजाब का खजाना भरना सी, पंजाब दे नौजवानों ने कमाईया करके नौजवान धक्क दिता इंग्लैंड अमरीका आस्ट्रेलिया यूरोप के दवाइया विच। सत्कार जो पंजाबियो, अज दे दिन मैं अपनी गलबात जिथे पंजाब दे बारे कीती आ, बहुजन समाज पार्टी बारे कीती आ, मैं अपनी गल नू विराम देना चाहुंदा। असीं बेगमपुरा पातशाही बनाउण दा संकल्प पूरा करना चाहुंदे आ, दसो साथ दिओगे? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਹੀਆ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਰਗ ਭਾਗੋਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਸੌਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਹੇ ਨਵਾਰੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਕੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ
साबका श्री राम जी को याद करते हुए कुछ नारे बुलंद करेगा। नारे की आवाज झूठ की पंड कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सरकार के बीच पुजनी चाहिए है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। बीएसपी के वास्ते पैर कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, पैर कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, धन्यवाद। जय हिंद।